जनपद में हो रही बोर्ड परीक्षा में प्रशासन नकल के बाजीगरों के सामने कमजोर पड़ गया है। शायद यही कारण है कि हर रोज न सिर्फ मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं, बल्कि बाहर लिखी कापियां भी पकड़ी जा रही है। ताजा मामला अंकुर पब्लिक इंटर कॉलेज बांसडीह का है, जहां बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल की संस्कृत की परीक्षा में एक मुन्ना भाई को सेक्टर मजिस्ट्रेट ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सेक्टर मजिस्ट्रेट का कहना है कि परीक्षा के दौरान आशंका होने पर एक परीक्षार्थी का फोटो मिलान कर रहे थे, तभी छात्र जितेंद्र कुमार का फोटो नहीं मिलने पर पूछताछ में पता चला कि वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धर्मेंद्र कुमार साहनी की परीक्षा दे रहा है। केंद्र व्यवस्थापक ने संबंधित आरोपी एवं दो अन्य के खिलाफ कोतवाली बांसडीह में मुकदमा पंजीकृत कराया है। इसने दो दिन पहले ही फर्जी आधार कार्ड हल्दी के सोनवानी रोड से कंप्यूटर कक्ष से बनवाया था, और साथ ही साथ इसने दो तीन दिन पहले ही एक फर्जी परिचय पत्र भी बनवा लिया था। हम वो आदर्श माध्यमिक विद्यालय सातवार से बताया है, तो इसमें भी जांच हो रही है और इस पर FIR के लिए तहरीर दे दी गई, मुकदमा दर्ज हो रहा है। और साथ ही साथ इसको जितेंद्र कुमार छात्र के दर पर परीक्षा दे रहा था जितेंद्र कुमार छात्र, और ये धर्मेंद्र कुमार साहनी, इसने बयान भी दिया कि मैं फर्जी हूँ और मैं अपने भतीजे के दर पर परीक्षा दे रहा हूँ, यद्यपि ये दूसरी जाति का है, फिर भी रिश्ते से गाँव का भतीजा लगता था वो लड़का जितेंद्र कुमार, उसके दर परीक्षा दे रहा था। दोनों ये छात्र और दो तीन अज्ञात पर FIR हो रही है।